खबर मिर्जापुर से है, जहां मंडलीय अस्पताल में पहुंचे जिलाधिकारी सुशील कुमार पटेल ने आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान 6 विभागीय लोगों से स्पष्टीकरण मांगा गया। अस्पताल में जिलाधिकारी के पहुंचने पर तीमारदारों एवं मरीजों ने उनसे खुलकर बातचीत की। दरअसल अस्पताल में ओपीडी प्रातः 8 बजे से प्रारंभ हो जाती है, जिसके बावजूद कई चिकित्सक 9 बजे के बाद पहुँचते हैं। यही सारी स्थिति सीसीटीवी में कैद हो जाती है, जिसके चलते जिलाधिकारी ने सीसीटीवी की फुटेज को खंगाल कर देखा और लापरवाह चिकित्सकों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया, जिसके बाद एक चिकित्सक का उन्होंने एक दिन का वेतन रोकने का भी निर्देश दिया। जिलाधिकारी सुशील कुमार ने विभिन्न वार्डों का निरीक्षण करने के साथ ही रजिस्टरों को भी चेक किया। मरीजों को दवा बाहर से तो नहीं लिखी जा रही, मरीजों का समुचित इलाज सरकार के मंशानुरूप हो रहा है या नहीं, इसे देखा। उन्होंने सच्चाई को मौके पर जाकर देखा और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जनता, दो तीन चीज़ें मुझे देखनी थी। एक तो जो वहाँ पर जो हमारे ओपीडी के पेशेंट आते हैं, ऐसा तो नहीं उनको दवाएं बाहर की लिखी जा रही हूँ डॉक्टरों द्वारा। दूसरा, सफाई रख रखाव कैसा है अस्पताल का। और तीसरा, जो डॉक्टरों की अटेंडेंस, क्या वो समय पे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो जो पहला था कि क्या जो दवाएँ बाहर की लिखी जा रही है कि नहीं लिखी जा रही, इस पर हमने देखा कई पर्ची मिली, लेकिन ऐसा आज जो हमने निरीक्षण किया उसमें कहीं ऐसा नहीं लिखा पाया गया कि डॉक्टरों ने बाहर की दवा लिखी। हालांकि दो या तीन मरीजों ने बोला कि उन्होंने जब पिछली बार आए थे तो उनको दो तीन दवाएं बाहर से लिखी गई थी। हर एक मरीज ने ऐसा बोला, दो तीन मरीजों ने। इस पर हम एक हमने SIC से भी, जो हमारे इंचार्ज हैं सुप्रीम इंचार्ज, उनसे भी हमने इस पर स्पष्टीकरण मांगा है। दूसरा, साफ़ सफाई संतोषजनक थी। तीसरा, जो अटेंडेंस डॉक्टरों की थी, हमने खुद उसकी जो CCTV फुटेज था उस पर जाके देखा कि एक दो डॉक्टर जो लेट से आए हैं लगभग 9:30 बजे, उनसे स्पष्टीकरण और एक दिन की सैलरी रुकने का हमने कह भी दिया है। और आगे से हमने आदेश भी दे दिया SIC को कि जितने भी डॉक्टर हैं वो CCTV के अंदर आके ही सिग्नेचर करेंगे, ताकि अगर भविष्य में कोई कंप्लेन होता है तो उसका वेरिफिकेशन हो सके।